मुंबई कुलाबा अंबेडकर नगर स्थित रोटरी क्लब ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3141 की तरफ से फ्री डायबिटीज अवेयरनेस एजुकेशन और डिटेक्शन कैंप का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर डॉक्टर केकी मेहता समेत एमएलए राजकीय पुरोहित, स्थानिक नगर सेवक मिस्टर नार्वेकर समेत कई हस्तियां मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि इस कैंप के द्वारा लोगों को जागरूक कर डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों से कैसे बचा जाए इसके बारे में बताया गया। तो वहीं आने वाले 7 जनवरी को डायबिटीज से लोगों को जागरूक करने के लिए एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसके बारे में इन लोगों ने बताया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर इन लोगों ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। आज रोटरी ने, रोटरी 3140 और हमारे दो क्लब ने साथ में मिलके एक कैंप रखा है जिसको कहते हैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का कैंप। ये इस कारण से रखा गया है क्योंकि आजकल डायबिटीज पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल गया है और आजकल महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा और उसमें से मुंबई में सबसे ज़्यादा। मुंबई को कहते हैं कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ पूरे इंडिया के, और ये डायबिटीज़ के कारण से पूरे जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है। आप ये सोचिए कि डायबिटीज़ सिर्फ खून की बीमारी नहीं है, डायबिटीज से पैर में दिक्कत होती है, आँखों में दिक्कत होती है, जिस्म में दिक्कत होती है, किडनी बैठ जाती है, हार्ट में दिक्कत होती है। इसलिए ये जो डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है और इसको जांच के पता लगना चाहिए कहाँ है। अभी हमने पिछले साल भी ऐसे एक कैंप रखा था, लेकिन उस कैंप में हमें यह पता लगा कि जितने लोगों को चेक किया था उनमें से 10%, मतलब कि 100 में से 10 आदमी को तो पता भी नहीं था उनको डायबिटीज़ था, और ये पहले बार कैंप में उनको पता लगा। फिर इनके बाद में फिर इनका इलाज वगैरह चालू हो सकता है तो इनको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में सहायता मिल जाती है। इसलिए हमने अभी ये डायबिटीज़, और इस साल में हमने डायबिटीज़ के साथ में ब्लड प्रेशर का भी रखा है, क्योंकि पिछले बार हमने चेक किया था, पता लगा था काफ़ी लोगों को ब्लड प्रेशर का भी है और उनको भी पता नहीं था कि उनको ब्लड प्रेशर है। इसलिए इस साल हमने ये दो इकट्ठे कंबाइन करके रखे हैं, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, और आप देखोगे कितने लोगों के इंटरेस्ट है। ये सुबह से 8 बजे से यहाँ लोग पूरे लाइन पर लाइन कतर लगी हुई है और ये 3 बजे तक दोपहर को नॉन स्टॉप रहेगी। अब हमारे प्रेसिडेंट जो हैं हमारे रोटरी क्लब के, वो आपको ज़रा बताएंगे। क्लब ऑफ मुंबई साउथ का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पर 3 जगह पर डायबिटीज़ अवेयरनेस चेकअप कैंप रखा है। इसके अंदर हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले, और बहुत से लोग ऐसे हैं ये लोग कभी भी उनको पता नहीं है कि डायबिटीज़ है या नहीं है, तो आज ये चेक करके उस पे से उनको थोड़ा रफ आइडिया आ जाएगा कि भी आगे के लिए वो अपनी कोशिश कर सकते हैं। मेरा नाम रामनाथ है, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे हिल साउथ। मैं यही दोहराना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर केकी ने बताया कि डायबिटीज साइलेंट किलर है, आम आदमी को पता नहीं चलता है कि मेरे बदन में शुगर की कमी है, इंसुलिन की कमी है, और इसलिए मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। तो मैं अरुण जी के साथ को होस्ट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को, और हम लोग का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्लम एरिया के अंबेडकर नगर ट्रैफिक कैंप के व्यक्तियों जो इधर रहते हैं उनको पता चले कि तीन जगह हैं, ससुर डॉक और गीता नगर, जो दो जगह है। तीनों कैंप से मिलके हम लोग का कोशिश है कि शायद 1000 लोग हम टच कर लेंगे। 2000 अब मुंबई साउथ की सेक्रेटरी हूँ। जैसे आप सबको मालूम है डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, और इस बार डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में ये कहा गया है कि इस, हम डायबिटीज़ जो सबसे ज़्यादा बीमारी फैल रही है वो हम लोगों तक पहुँचाए, कि अवेयरनेस एक क्रिएट करें कि भाई ये जो बीमारी है इसको लोगों को पता पड़े कि उनको पहले तो ये बीमारी है, और जब उनको पता पड़ेगी कि ये बीमारी है तो उसके फिर आगे का स्टेप जो है वो हम ले सकते हैं कि इसमें मेडिसिन कितनी ज़रूरत है। ये अंदर की बीमारी है जहाँ पर बाहर से दिखता नहीं है बहुत जल्दी, और ये इस वजह से आज 3 कैंप्स हमने रखे हैं, अंबेडकर नगर, गीता नगर, ससुन डॉक में, जहाँ से ज़्यादा अभी थोड़ी देर में इतने सारे लोगों में ये पता पड़ा कि कम से कम आधे से ऊपर लोगों को पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ है। तो ये चेकिंग होने के बाद में ब्लड लिया जाएगा, थायरोकेयर हमारे साथ पार्टनर कर रही है, ब्लड लिया जाएगा, और उसके बाद में फॉलो अप के लिए भी बॉम्बे साउथ और हिल साउथ ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया है जो हम इन लोगों की, जिसके जरिए हम इन लोगों की मदद कर सकते हैं। सरकार का मेडिकल डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट में, डायबिटीज कोऑर्डिनेटर फॉर एंटायर डिस्ट्रिक्ट। वी इंटेंड टू डू दिस ईयर अबाउट 1 लाख पीपल, आउट ऑफ देम ओनली ऑलरेडी 10,000 पीपल हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड, बैलेंस विल कवर इन नेक्स्ट 6 मंथ्स।
अपने अपने क्लब में तो अभी वी आर गोइंग टू डू थ्री कैंप्स, तो आप लोगों ने मैंने बोला वी आर ऑलरेडी डूइंग थ्री कैंप्स दिस ईयर एंड मे बी वन वन और टू मोर कैंप्स इन द कमिंग सिक्स मंथ्स। डायबिटीज़ जो होती है वह हर उम्र को असर करती है, सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जिनका उम्र 40 साल के ज़्यादा हो, 20 साल के ज़्यादा हो, छोटे बच्चों को भी हो सकता है, इसलिए ये कैंपों में हम सबको जांच किया जाते हैं। आपको एक और अच्छी खुश चीज़ मैं बताऊँगा कि डायबिटीज़ की अवेयरनेस के लिए ये साल 7 जनवरी को डायबिटीज़ की साइकिलिंग रैली रखने वाले हैं। ये रैली में ऐसे होगा कि साइकिलिस्ट को अपने झंडे डायबिटीज़ के लेके आप पूरे मुंबई में घूमेंगे कि सबको पता लगे कि ये डायबिटीज़ के लिए हमें अवेयरनेस रखना चाहिए और हर एक इंसान को अपना जांच करना चाहिए डायबिटीज़ के बारे में। और ये डायबिटीज़ रैली जनवरी को होगी, आप भी अपना कोई इंटरेस्ट हो इन डायबिटीज़ रैली में, साइकिलिंग रैली है, कोई भी आ सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। कहाँ पे होगा ये डायबिटीज़ रैली? ससून डॉक से चालू हो जा काले घोड़े से स्टार्ट हो जाएगी और जाएगी नॉर्थ तक, महीम का एंड तक जाएगी और सुबह के टाइम 7:30 बजे हो गए 8 बजे तक। और कितने रोटरियन इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें जो है करीब 3,840 लोग डायबिटीज़ कैंप के लिए ले रहे हैं और ये साइकिलिंग रैली के लिए करीब 500 के आसपास लोग आ जाएंगे। हमारे साथ हमारे लोकल कॉरपोरेटर हैं। हमारे इस वार्ड में अगर कुलाबा कफ परेड में देखेंगे तो 15 से 16 बड़े स्लम्स हैं जहाँ पे ऐसे कैंप्स की बहुत ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ मेरे जब से नगर सेवक चुन के आए तब से आज तक रोटरी ने जो सहकार्य यहाँ के लोगों को किया है, यहाँ के स्लम्स में जो कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, मैं नहीं समझता हूँ और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया रहेगा। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांजिट कैंप है, माहडा का ट्रांजिट कैंप है, इसके बगल में चारों तरफ घेरे हुए स्लम्स है, डेंसली पॉपुलेटेड स्लम्स है। और ऐसे में ये ऐसे कैंप करना और वारंवार ऐसे रेगुलरली रिपीटेडली ऐसे कैंप्स करना यहाँ के लोगों को एक दिलासा मिल देता है। और लोगों को यहाँ, अभी मैं आ रहा था यहाँ पे तो लोग खुद सामने से पूछ रहे थे कि यहाँ अगला कैंप कब है, ये आज यानी, और उन्होंने प्लानिंग करके रखा है कि कैसे इस कैंप की का फायदा वो लेंगे। और मेरा खासकर एक वोट ऑफ थैंक्स विल बी टू डॉक्टर केकी मेहता के, उन्होंने जो पुढ़ाकार लिया है यहाँ, मैं सिर्फ ये कैंप के माध्यम से नहीं पर जब भी मैं एक लोक प्रतिनिधि होने के माध्यम से जब भी उनके पास कोई किसी को चिट्ठी लेके भेजता हूँ तो प्रायोरिटी पे उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज डॉक्टर साहब करते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमारे एरिया के लिए बहुत ज़रूरी है और ऐसे ही उनको सक्सेस मिलता रहे ये कामना करता हूँ। स्थानिक नगर सेवक महानगर मुंबई महानगर पालिका में वार्ड क्रमांक 226। केकी मेहता के बारे में जो कुछ बोलेंगे वो कमी होगा, उनकी एफर्ट्स, उनकी जो हमेशा एफर्ट्स रहे हैं ये फील्ड में सब कुछ करने के लिए, इट्स कमेंडेबल, इट्स इनक्रेडिबल एंड वी आर ऑल ऑलवेज वेरी हेल्पफुल, ही इज ऑलवेज वेरी फॉरथकमिंग फॉर एनी ऑफ दिस कॉलेज एंड ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ हिम। मफलर माई टीम कुलाबा एवरीबडी हु इज प्रेजेंट हियर इज वेरी वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर फॉर एवरीथिंग दैट ही डज। And whatever we say less from Dr. KK, I mean, he does a tremendous job in our area. And he's a man of very few words, but his work speaks a lot. So thank you, sir. Thank you very much. And he's been a great support for my team club all the time. It's almost 7 years now, but he's always been there at all the time for us. Thank you. We've come here to work with the diabetes camp. Thanks to our cooperator, Dr. Nalvinkar and Dr. Keshi Mehta, who have been a tremendous support to all of us.